समीम, सूफ़ी बिहार रिज के लिए वजीफ़े बीमारी के लिए शिफ़ा के लिए ये सब वजीफ़े दुआएं, क्या नबी पाक से साबित हैं क्या हुजूर ने सभी मुसलमानों को इसकी इजाज़त दी है आज के दौर में तो हर मुसलमान वजीफ़ों की दुआओं की किताब ले आते हैं और इस पर अमल करते हैं तो मिलता तो कुछ भी नहीं है ना वजीफों से दौलत आ जाती तो लोग कारोबार क्यों करते किताब खोल के बैठे रहते बस कि जब वो देखते हैं ना कि वो किसी जॉब के लायक नहीं है कुछ करना नहीं आता है कारोबार नहीं कर सकते तो फिर वो किताबें ले आते हैं ये वाला वजीफा पढ़ो भाई सौ दफा ये आयत पढ़ लो अल्लाह तजाना खास से देगा क्या देगा खजाना खास अल्लाह ने कानून बनाया असबाब है वसीला ढूंढो मेहनत करो जोरे बाज़ू पर यकीन करो घर बैठे रिस्क नहीं आएगा मेहनत करनी पड़ेगी भाई वज़ीफ़ों से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो हज़ूर सल अल्लाह वम इलाज मुआवजा क्यों करते नबी पाक वसल्लम ने भी इलाज भी करवाया है और लोगों को भी कहा है इलाज कराओ बीमारी का अगर वजीफ़ों से ठीक हो जाता तो मूसा सलाम ने कोह तूर अल्लाह को कहा कि भाई मेरे पेट में बड़ा शरीद दर्द है मैं क्या करूँ अल्लाह ने कहा कि सौंफ का पानी उबाल करके पी लो तो अल्लाह ये नहीं कहता कि इधर आओ ठीक हो गए तुम तो, अल्लाह ने तो नहीं किया ये मूसा सलाम के पेट में दर्द हुआ तो अल्लाह उस उनको कह रहा है कि सौंफ पानी में उबाल के पी लो वो तो पी लिया उन्होंने ठीक हो गए तो जो वजीफे पढ़ पढ़ के शिफा ढूंढ रहे हैं वो जरा ये भी तो देखें कि अल्लाह ने मूसा सलाम को क्या कहा फिर कहते नहीं जी कुरान शरीफ में लिखा है कि ये शिफा है हाँ शिफा तो है किस चीज की शिफा है जाहिर बीमारी की या बातनी बीमारी की कुरान मजीद शिफा है बातनी बीमारी की दिलों की बीमारी की रूहों की बीमारी की और अगर आप समझते हैं कि जहरी बीमारी की दवा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सऊदी अरब सारे हॉस्पिटल बंद कर दो क्यों रखे हुए कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के इलाज करो कुरान की आयतें पढ़ो शुगर लो करो कुरान की आयतें पढ़ो दिल की आर्टरीज खोल दो छोड़ दो ये मुनाफिकत बाज आ जाओ हराम हरामजगी से बकवास से ये फजूल बातें हैं सारी अल्लाह ने जिस चीज को जिस काम के लिए पैदा किया है वही रखे अपनी तरफ से ना बढ़ाएं उसको और मजे की बात क्या है पूछिए मुसलमानों में कुरान की आयतों से इलाज कौन करते हैं गरीब आदमी जब उसी गरीब के पास पैसा आ जाता है फिर वो हॉस्पिटल जाता है ये है आपका दीन ये है आपका ईमान ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे आपके पास पैसा नहीं है तो कह नहीं हम कुरान से इलाज करवा रहे और जब पैसा आ गया चलो भाई तो ये मुनाफिकत पर कायम है फलसफा जिस तरह अमरीका में लोग रहते हैं जो बेचारे पाकिस्तानी हैं इंडियन पाकिस्तानी तरस आता है उनको देख के बेचारों को बीमार हो जाते हैं तो जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पाकिस्तान में डेढ़ सौ रुपये देते थे वहाँ डेढ़ सौ डॉलर देने पड़ते हैं लिहाजा जाते ही नहीं है पैसा चाहिए ना तो फिर क्या करते हैं इधर उधर के टोट कोई कहता जी दूध में हल्दी डाल के पी लो सब ठीक हो जाएगा पी पी के जो है ना शुगर हो गए उससे मर गए Self medication is very dangerous. How <laughs> many allopathic medicines are They're all chemicals. You can't do that. Amra TV The place to connect with God.